हिमाचल में गर्मियों की दस्तक के साथ ही ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत की समस्याएं आना शुरू हो चुकी हैं। बिलासपुर की बात करें तो उठाऊ पेयजल योजना नाल्टी से जहां नाल्टी, मेहरी, खंसरा, लद्दा व हलवाड़ी गांव के सैकड़ों किसानों की फसलों के लिए पानी उपलब्ध होता था, तो वहीं बीते 3 सालों से ये सुविधा इसलिए बंद है क्योंकि कुछ शरारती तत्वों ने प्रोजेक्ट पंप से तारें और मोटर के पार्ट्स चोरी कर लिए हैं, जिसके बाद जल शक्ति विभाग ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। लंबे समय से बारिश ना होने व सिंचाई योजना के बंद होने का सीधा असर अब स्थानीय किसानों की फसलों पर पड़ रहा है, और पानी की कमी के चलते जहां एक ओर किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर पशुओं के पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। स्थानीय किसानों सहित पंचायत प्रधान का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई, मगर अभी तक इस योजना को शुरू नहीं किया गया है और ना ही चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पंप हाउस में चौकीदार व फिटर की तैनाती की गई है। स्थानीय किसानों ने प्रदेश सरकार व जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि जल्द ही इस सिंचाई योजना को शुरू किया जाए ताकि पानी की कमी से किसानों को हो रही बर्बादी से बचाया जा सके। लगभग 80-90 हज़ार के करीब बताई जाती है। तो जैसे हमने यहाँ पे मौका किया तो हमने पाया यहाँ इधर बांस में कुछ सामान फेंका था, कुछ तार थी और कुछ और भी सामान था। तो आज भी देखा तो ये सामान अभी तक वहीं पड़ा है। इसके बारे में हमने विभाग को जानकारी दी, विभागीय अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवाया, लेकिन इसकी लगातार अनदेखी हो रही है। इसके बारे में काफ़ी बार हम एक्शन साहब से भी मिल चुके हैं, लेकिन लगातार इसकी अनदेखी की जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार जहां बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब इसकी रूपरेखा देखी जाए तो ये इसके विपरीत है। मतलब तो मैं कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश सरकार, आईपीएच विभाग के उच्च अधिकारी इस स्कीम को जल्द से जल्द चालू करें, क्योंकि यहाँ पर पंप ऑपरेटर ना ही पंप ऑपरेटर है और ना ही कोई चौकीदार है। जो चोरी होती है और अक्सर रात को होती है क्योंकि यहाँ पर चौकीदार नहीं है। बीच में पंप ऑपरेटर रहते थे पर लगातार पिछले कई वर्षों से जो है यहाँ पर कोई भी नहीं है। सर, मैं कांता शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत मेहरी कातला, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। इसमें हम यहाँ पे नाल्टी स्कीम की जो सिंचाई योजना स्कीम है वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये स्कीम जो है पिछले 1979 से ये स्कीम चालू हुई है। आज तक मतलब पिछले 3 साल पहले तक कंटिन्यू ये स्कीम जो थी चली हुई थी और लोगों को इसका भरपूर फायदा मिल रहा था, लेकिन पिछले 3 वर्षों से लगातार ये स्कीम जो है सिंचाई स्कीम ये बंद पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इसके पीछे विभाग की कमजोरी नज़र आती है, क्योंकि इस स्कीम में विभाग जो है ये बहाना लगा के बैठ जाता है कि यहाँ पे चोरी हो जाती है, तारें चोरी हो जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विभाग यहाँ पे नियमित रूप से कोई अपना एम्प्लॉई जो है यहाँ पे रखे, ताकि सुचारू रूप से लोगों को जो है ये सिंचाई योजना का जो लाभ है वो लोगों को भरपूर मात्रा में मिले। क्योंकि हमारा ये जो नाल्टी गांव है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये नाल्टी गांव जो है इसको मुख्यमंत्री आदर्श गांव में भी लिया गया है, लेकिन आदर्श नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में किसान जो है, ज़्यादातर लोग जो है खेती पर निर्भर हैं, लेकिन ना तो एक और बारिश भी कम हो रही है और दूसरी ओर जो सिंचाई योजना जो थी वो भी कई दिनों से ठप पड़ी हुई है, इसलिए लोगों को भारी मात्रा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार से ये मांग करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी ये तो नाल्टी स्कीम है, लेकिन मेरी पंचायत में और भी जितने भी स्कीमें चली हुई हैं वो लगभग पिछले कई वर्षों से वो बंद पड़ी हुई हैं। तो इन सभी स्कीमों को दोबारा से चालू करवाया जाए और कंटिन्यू तरीके से है लोगों को लाभ प्राप्त करवाया जाए। इस मुद्दे पर जल शक्ति विभाग बिलासपुर के अधिशासी अभियंता अरविंद वर्मा ने बताया कि नाल्टी सिंचाई योजना के चोरी हुए पार्ट्स को मंगवाया गया है और योजना को जल्द शुरू करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही चौकीदार व फिटर की तैनाती कर दी जाएगी ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और किसानों को 24 घंटे पानी भी उपलब्ध करवाया जा सके।
उठाऊ सिंचाई योजना नाल्टी में पिछले समय में दो तीन बार चोरियां हो गई। उसमें कुछ शरारती तत्वों ने स्कीम की मोटरें पंप उनको नुकसान पहुंचाया, पैनल बोर्ड के हिस्से जो है उनको चोरी करके ले गए, और विभाग के हमारे एसडीओ कदरौर द्वारा पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिला। और उसके उपरांत हमने विभाग ने उस स्कीम को चलाने के लिए जो जो चीज़ें नुकसान हुई थी उन चीज़ों को दोबारा बदल कर स्कीम को सुचारू रूप से चला दिया है। हाँ, वो सिंचाई स्कीम, हमारी जो सिंचाई की स्कीमें हैं इनमें किसानों द्वारा जब डिमांड दी जाती है पानी की कि कब उनको पानी चाहिए, तो उसी ही हिसाब से स्कीम को चलाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार डिमांड बेस्ड चलती हैं स्कीमें। तो अभी गर्मी का मौसम बढ़ रहा है तो लोगों द्वारा डिमांड आ रही है, तो स्कीम को हमने सारी जो मशीनरी और उसके जो एक्सेसरीज हैं उनको सबको रिपेयर कर दिया है और स्कीम सुचारू रूप से चालू है। अब लोगों की मांग आ रही है कि इसको बहुत मतलब काफ़ी डिमांड आ रही है, तो जहाँ पे अभी हमने एक टेम्परेरी पंप ऑपरेटर की व्यवस्था की थी तो हम विभाग के अधिकारियों को कर्मचारियों को ये निर्देश दिए हैं कि ज़रूरत के अनुसार डिमांड के अनुसार अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे 24 घंटे हम इस स्कीम को चलाने के उसमें हैं, और जो मैन पावर वहाँ पे और एडिशनल चाहिए उसके भी विभागीय कर्मचारियों को अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से कल से ही उस स्कीम के ऊपर व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को मांग के अनुसार उनके खेतों में कितना पानी उनको चाहिए उस अनुसार हम अपने पंपिंग मशीनरी को पंप्स को चला सकें और खेतों में पानी सुनिश्चित कर सकें, ये निर्देश दिए गए हैं। और हम विभाग सुनिश्चित भी करेगा इस चीज़ को कि लोगों को इस गर्मी के मौसम में भरपूर मात्रा में आवश्यकता अनुसार सिंचाई का इस स्कीम के माध्यम से पानी मिले।